हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस चीज से रिलेटेड होने वाली है। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तीन अफोर्डेबल पाउडर ब्लश जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। हाई ऑन ब्रांड नहीं है बट फिर भी अफोर्डेबल होने के साथ साथ ही काफी ज्यादा यूजफुल भी है एंड अपना एक्सपीरियंस भी साथ ही साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि उन प्रोडक्ट को यूज करके मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है एंड क्या अफोर्डेबल होने के साथ साथ वर्थ बाइंग है या नहीं। अगर अफोर्डेबल प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं तो आप बिल्कुल आपके माइंड में ये चीज आएगी कि मैं इतना कम प्राइस में प्रोडक्ट खरीद रही हूँ, कहीं इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कहीं मेरे पैसे वेस्ट तो नहीं होंगे, बट ऐसा नहीं होने वाला। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही तीन ब्रश शेयर करने वाली हूँ जो कि काफी अच्छे हैं एंड काफी रीजनेबल प्राइस पर है। अगेन ये प्रोडक्ट होने वाले हैं अंडर 300 और 200 की रेंज के, 200 की रेंज के अंदर भी हैं। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल बटन को करना है हिट ताकि आपको मेरी इसी तरह की अमेजिंग एंड अफोर्डेबल चीजें देखने को मिलती रहे। मैं बहुत ज्यादा हाई ऑन चीजों पर नहीं जाती गाइस, मैं हमेशा अफोर्डेबल चीजें ही ट्राई करती हूँ एंड जो कि अफोर्डेबल होने के साथ साथ ही जिनकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि आप हाई ऑन ब्रांड पर ही भागे, आपको कभी कभी रीजनेबल प्रोडक्ट को भी ट्राई करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज की वीडियो ब्लश से रिलेटेड होने वाली है, तो सबसे पहला जो ब्लश है मेरा वो है ये ब्लू हेवन का शिमरी मैट ब्लश ट्रू टू टोन कलर लाइट वेट फॉर्मूला। सो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग के साथ आता है एंड इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 150 रुपीज जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है। अंडर 200 की बजट का ये ब्लश मिलने वाला है आपको एंड ब्लू हेवन के बारे में आप सभी जानते हैं। ब्लू हेवन एक बहुत ही पुराना एंड बहुत ही अमेजिंग ब्रांड है। अभी ब्लू हेवन ने रिसेंटली कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जो कि मैंने अभी परचेज नहीं किया है, बट बहुत जल्दी ही मैं उन सभी प्रोडक्ट का आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। सो ये मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो शेयर की हुई है जहाँ पर मैंने ब्लू हेवन की एक किट ऑर्डर की थी, उसके साथ मुझे ये मिला था एंड इसका प्राइस काफी ज्यादा मुझे रीजनेबल लगा था, प्लस ये वाला ब्लश मुझे ट्राई भी करना था। सो आई थॉट कि मुझे इसे पिक करना चाहिए तो मैंने ये वाला ले लिया। सो इसके अंदर मेरी शेड की बात करें तो मेरा शेड है डायमंड ब्लश ऑन। सो कुछ ये इस तरह की पैकेजिंग के साथ आता है, कलर आपको यहाँ पर विजिबल है एंड बहुत ही पिंक कोरल टाइप में शेड है गाइस। सो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो आप देख सकते हैं ये एक मैट पाउडर ब्लश है गाइस एंड इसका कलर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। ऐसा वाला ब्लश हमें तब चाहिए होता है जब हम चाहते हैं कि हमारे स्किन पर एक बहुत ही अच्छा सा ब्लश शो करे। सो हम ये वाला ब्लश पिक करते हैं एंड मुझे ये ब्लश पसंद आया है एंड काफी प्यारा सा कोरल पिंक काइंड ऑफ शेड है जो कि अगेन एक अच्छी बात है जो कि एक नेचुरल लुक देने के लिए जरूरी होता है। सो मैं आपको इसका स्वॉच दिखा देती हूँ एंड आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरीके का ब्लश है। सो गाइज, इसके अंदर हल्का सा चौकीनेस है बट ये इसके जो पार्टिकल है वो उड़ नहीं रहे हैं। सो वाओ, कलर काफी अच्छा है बट इसके अंदर लिटिल बिट चौकीनेस है, पाउडरी टाइप में है बट ये उड़ेगा नहीं एंड काफी अच्छा सा ब्लश है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही नेचुरल पिंक शेड दे रहा है हमारे स्किन को। सो ये वाला ब्लश बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, 150 में आपको और क्या चाहिए। अगर आप इतनी रेंज का कोई ब्लश ढूंढ रहे हैं तो आपको इसके साथ जरूर जाना चाहिए एंड ऐसे परचेज करना चाहिए। तो गाइज, नेक्स्ट ब्लश की बात करूँ तो वो है ये NYB का सनसेट स्काईलाइन ब्लश। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि NYB ने रिसेंटली काफी प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, उनमें ये ब्लश भी थे एंड इसके अंदर आपको और भी ज्यादा शेड्स मिल जाएंगे। सो इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 173 रुपीज जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा रीजनेबल, अंडर 200 की रेंज का ये एक ब्लश है एंड ये भी एक पाउडर ब्लश है गाइज एंड इसके अंदर जो मेरा शेड है वो है सन डाउन रेड 07। मुझे हल्का सा ऐसा शेड चाहिए था जिसमें हल्का सा ऑरेंजी टिंट मिल रहा हो, इसलिए मैंने ये वाला शेड पिक किया है एंड पैकेजिंग अगेन एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, नॉर्मल सी पैकेजिंग है एंड काफी पॉकेट फ्रेंडली ब्लश है गाइज एंड अगेन ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल रहा है। बाय द वे, जो भी प्रोडक्ट मैं शेयर कर रही हूँ सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लिंक के थ्रू प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स देख सकते हैं एंड अगर परचेज करना है तो परचेज भी कर सकते हैं। सो गाइज, जैसा कि पैकेजिंग की बात कर ली हमने कि काफी ज्यादा नॉर्मल सी पैकेजिंग है एंड चलिए प्रोडक्ट देख लेते हैं।
वैसे गाइस अभी रिसेंटली मैंने इस वाले ब्लश को काफी ज्यादा यूज किया है एंड ये मल्टीपर्पज ब्लश है, लाइक आप इसे एज अ आई शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं एंड एज अ ब्लश भी अप्लाई कर सकते हैं। सो पैकेजिंग बहुत ही प्यारी है, क्यूट सी डिब्बी मिलती है आपको कुछ इस तरीके की। शेड की बात करें तो देख सकते हैं ये ऑरेंजी टिंट के साथ आपको ब्लश मिल रहा है, लाइक जो इवनिंग वाला सनडाउन होता है ना उस तरीके का शेड है एंड मुझे ये शेड काफी ज्यादा पसंद आया था। एंड इसकी पिगमेंट, ओ माय गॉड, इसकी पिगमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छी है एंड कलर पे ऑफ तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को चेक कर सकते हैं, मेकअप वीडियोस को, जिनमें मैंने ये वाला ब्लश अप्लाई किया है एंड बहुत ही ब्यूटीफुली आपके फेस पर निकल कर आता है, बहुत ही प्यारा सा ब्लशी लुक देता है आपको ये अप्लाई करने के बाद। एंड इसका प्राइस सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा है मुझे, इस वजह से मैंने इस प्रोडक्ट को ट्राई किया। बाय द वे मुझे अभी NYBA के बहुत सारे प्रोडक्ट ट्राई करने हैं एंड मैं उन सभी का रिव्यू आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। सो ये वाला ब्लश आप देख रहे हैं कितना ज्यादा कूल है, मुझे इसका ये ऑरेंजी टिंट काफी पसंद आया था। सो मैं आपको इसका एक स्वॉच दिखा देती हूँ। इसके अंदर चौकीनेस नहीं है, ये एक मैट ब्लश है गाइस। सो इसको कहाँ पे दिखाऊं, सो आप देख सकते हैं हल्का सा ऑरेंजी टिंट है, दोनों शेड्स में काफी ज्यादा डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा। ये वाला पिंकिश टोन के अंदर जाता है बट ये हल्का सा ऑरेंजी टिंट के साथ आता है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी बात है। लाइक आपको एक कोरल सा लुक चाहिए तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं एंड मुझे ये वाला ब्लश काफी ज्यादा पसंद आया था एंड मुझे ब्लश लगाना भी पसंद है। मैं अपनी हर वीडियो में ब्लश लगाती हूँ एंड बाहर भी जाती हूँ तो मुझे ब्लश बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, ब्लश और हाइलाइटर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। सो अगर आप ये वाला परचेज करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। ये भी काफी ज्यादा रीजनेबल एंड काफी अफोर्डेबल ब्रश है गाइज। सो गाइज नेक्स्ट ब्रश की बात करें तो वो है ये स्टेक वर्की का चिकी गर्ल ब्लश एंड ये मेरा फर्स्ट ब्रश था जो मैंने परचेज किया था जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। सो गाइज इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 242 रुपीज, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है एंड स्टेक वर्की के प्रोडक्ट ऑलमोस्ट अमेजिंग होते हैं एंड उसके प्रोडक्ट मैंने ट्राई किए हुए हैं, लाइक हाइलाइटर भी मैंने ट्राई किया हुआ है एंड फाउंडेशन भी ट्राई किया हुआ है। सो ये वाला ब्रश भी मुझे काफी ज्यादा पसंद था एंड इसका शेड आप देख सकते हैं काफी ब्यूटीफुल सा लाइट पिंक कह सकते हैं, नॉट प्रॉपर पिंक भी नहीं है एंड पीची शेड भी नहीं कह सकते बट लाइट पिंक शेड है एंड ये वाला ब्लश इतना नेचुरल ब्लशी लुक देता है, क्या बोलना यार, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ब्लश है गाइस। एंड इसके अंदर जो मेरा शेड है वो है कोरल चिक 05, जो कि मैंने पिक किया हुआ है। अगेन ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड है, आप देख सकते हैं लाइक देखने में आपको डार्क लग रहा होगा बट जब आप इसे अपने चिक्स पर लगाएंगे तो बहुत ही नेचुरल सा ब्लशी लुक आएगा, लाइक कि विंटर्स वाला जो ब्लशी लुक होता है ना वैसा। एंड ये वाला ब्रश भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है तो मैं आपको उसका स्वॉच दिखा देती हूँ। देख सकते हैं इसका कलर पे ऑफ कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है एंड काफी ज्यादा पिगमेंटेड है। सो तीनों शेड्स काफी ज्यादा डिफरेंस है तीनों शेड के अंदर, ये कोरली पिंक है, ये ऑरेंज टिंट के साथ है एंड ये डार्क पिंक है एंड शेड काफी ज्यादा सिमिलर नहीं है। सो ये वाला ब्लश भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था एंड तीनों के शेड डिफरेंट होने के कारण मैं इसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर यूज कर सकती हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास सारे एक जैसे शेड है, तो ये तीनों ही काफी ज्यादा डिफरेंट है एंड काफी यूजफुल है एंड मुझे ब्लश लगाना सीरियसली बहुत ही ज्यादा पसंद है। मेकअप में ब्लश का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो आप चाहते हैं अगर इन तीनों में से कोई भी ब्लश परचेज करना तो थ्रू लिंक परचेज कर सकते हैं एंड आपने कौन सा वाला ब्लश पिक किया आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड इस वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।